राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो पंचायत चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया गया है, इसके लिए मैं चुनाव आयोग का धन्यवाद करता हूं। साथ ही मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं। कैबिनेट ने ये जो ऑर्डिनेंस था, जिस ऑर्डिनेंस के आधार पर चुनाव हो रहे थे, उसको विड्रा किया। अगर कैबिनेट ये ऑर्डिनेंस विड्रा नहीं करती तो पंचायत के चुनाव नहीं रुकते और ओबीसी को आरक्षण नहीं मिल पाता। ओबीसी वर्ग को आरक्षण मिले, ओबीसी वर्ग को न्याय मिले, इसलिए एक बड़ा कदम हमारी सरकार ने उठाया और उसके परिणाम स्वरूप आज चुनाव स्थगित हुए हैं। हम लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं आगे भविष्य को ध्यान में रख के, जिसमें हमने ये बात रखी है कि मध्य प्रदेश में जो ओबीसी की आबादी है वो 52% से ऊपर है, इसलिए हम लोगों को समय मिले और हम लोग ये आयोग के माध्यम से, जो हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग है, इसके माध्यम से हम लोग ये आंकड़े प्रमाणित कर सकें। उस समय भी हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से मांगा हुआ है और सरकार की ये कोशिश होगी कि ओबीसी आरक्षण के साथ शीघ्र पंचायत के चुनाव हों। उसके लिए जो जो भी वैधानिक प्रक्रिया करना है वो सब वैधानिक प्रक्रिया हम लोग करेंगे और ओबीसी वर्ग को पंचायत चुनाव में राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसके लिए हमारी सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी संकल्पित है।